सारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान से, चलो शाबाश। आपसे क्या कह रहा है, सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड्स ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई एफ जी रेस्पेक्टिवली। इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू एफ ई जी शो दैट। मैंने इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ा है, जबकि मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ता नहीं हूँ, ठीक है, मैंने पढ़ा है। क्यों पढ़ा है? क्योंकि यहां से दिया हुआ है। सब बच्चे प्लीज ध्यान से देख लीजिए, ये मुझे दिया हुआ है, मुझे ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लग रही है, तो इसलिए मैं यहां तक पढ़ा हूं। कौन सी लाइन? ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफईजी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ए बी सी सिमिलर टू नॉट ई एफ जी is similar to F E G sequence change है। ठीक है, मुलाकात होती है। तो E F E G नहीं है, E F G नहीं है, F E G है, और वहीं पे थोड़ा सा लॉजिक है। समझ में आ गया सबको प्रॉब्लम? यस सर। अब फिगर गिवन नहीं है बेटे, फिगर गिवन नहीं है बेटे, तो फिगर हम बनाएंगे। चलो मैं थोड़ा सा स्पेस लेने के लिए नीचे बना रहा हूं। ये बेटे मेरे पास है, बहुत सिंपल है, बस पहला लॉजिक तो यही समझना था, दूसरा तो आप सब इंशाल्लाह कर ही लेंगे। ये है मेरा बेटे ए बी सी, और मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ई एफ जी नहीं है, एफ ई जी है, और सिमिलर दिया हुआ है, तो मैं सिमिलर बना रहा हूं, उसी सीक्वेंस में ले रहा हूं। मतलब ए को टॉप पे लिया है तो एफ को टॉप पे ले रहा हूं। वॉइस अचानक से खत्म हो गई जी सर, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? नहीं आ रही? आ रही, आ रही है। टेंशन ना लो, एफ ई जी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू एफ ई जी, ये होता है। मेरे पास मोबाइल रहता है, जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो मुझे पता रहता है कहां नेट थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ा वेट किया करो, टेंशन ना लो, दोनों स्क्रीन पे चलता रहता है उस साथ साथ। तो हमारे पास क्या गिवन है बेटे, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू एफ ई जी। अब आप सब बच्चे स्पेशली इन ज्योमेट्री जब भी कुछ दे दे तो उससे क्या क्या मतलब हुए वो सोचा करो। अब बताओ, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या क्या आपके पास है? सर एंगल इक्वल होंगे, साइज प्रोपोर्शनल। वेरी नाइस। सब बच्चे प्लीज, जिनकी पहली क्लास है वो भी समझ लीजिए, व्हेनेवर इट इज गिवन ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो फिर हमारे पास क्या है, फर्स्ट लेटर, और फर्स्ट लेटर मैं यहां रफ में लिख रहा हूं, एंगल ए इज इक्वल्स टू एफ, सेकंड लेटर, सेकंड एंगल बी इज इक्वल्स टू ई, थर्ड लेटर सी जी, एंगल सी इज इक्वल्स टू जी, दैट्स इट। तो ये आपको मिल गया पहली चीज, एंगल सारे जी बोलिए क्या कहना है। हाँ भाई, एंगल इक्वल हो गए। दूसरा रेशो, रेशो क्या होता है ध्यान से देख लीजिए, कैसे रेशो को लिखते हैं। फर्स्ट टू का रेशो, ए बी का रेशो एफ ई के साथ सर, फर्स्ट टू, लास्ट टू, बी सी का रेशो ई जी के साथ, एंड फर्स्ट एंड लास्ट, ए सी का रेशो एफ जी के साथ इक्वल होगा। वेन एवर ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यस और नो? यस सर। गुड, चलो ये चीज आ गई समझ में। अब हमसे क्या, अब पढ़ो, अब पढ़िए पहली लाइन, अब पढ़नी थी व्हाट, सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ। प्लीज ध्यान से बेटे, सी डी इज बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी, पहले एक समझ लो, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। सी डी, ए सी बी बताओ कहां पे है,
एसीबी कौन सा एंगल है? एंगल सी. एंगल सी. और इसका बाइसेक्टर है सीडी. प्लीज ध्यान से सब बच्चे, दैट इज माय सीडी एंड इट इज बाइसेक्टर. अगर ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है. यस और नो? इक्वल हाफ. यस सर. तो मैं आपसे कह रहा हूं सीडी एंड जीएच, तो जीएच भी ले लीजिए बेटे. दैट इज माय जीएच. कौन सा एंगल का था? ईजीएफ. एंगल जी. ईजीएफ, तो ईजी यही वाला होगा ना? यस yes? इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है. तो सीडी एंड जीएच आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एसीबी एंड एंगल ईजीएफ. अगर आप बच्चों ने जो जो मैंने लिखा है कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो एंगल्स आर इक्वल, रेशो आर सेम, और आपने ये लिख लिया है कि दिया क्या है बाइसेक्टर्स, आगे पढ़िए ठीक है. शो दैट, शो दैट. क्या शो करना है? पहला पार्ट ले लेते हैं, टू प्रूव सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी. सी डी अपॉन जी एच. जरा प्लीज सब बच्चे आइडेंटिफाई करना सीखो, मुझे चाहिए क्या. तो आपको सिर्फ मार्क करना है, साइड्स पे मार्क करिए बेटे, सी डी कहाँ है, जी एच कहाँ है, ए सी कहाँ है, एफ जी कहाँ है. तो आपको चारों साइड नजर आ रही हैं? ये चारों साइड कौन से ट्राइंगल्स में है? ए सी डी एंड एफ जी एच. तो आपको इन साइड्स का रेशो सेम करना है. तो साइड्स का रेशो सेम कब होता है? जब ट्राइंगल सिमिलर होते. वेरी नाइस, बहुत अच्छा बेटे, एक्सीलेंट. व्हेन दीज टू ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर देन रेशो विल बी सेम. तो इसका मतलब क्या है बेटे? आपके सामने जो टास्क है, आपके सामने जो काम है, वो ये है कि ट्राइंगल एसीडी को, एसीडी को और एफ जी एच को सिमिलर करना है. ये आपका काम है. और सिमिलर करते हैं कैसे? तीनों एंगल इक्वल हो जाएं, दो एंगल इक्वल हो जाएं, तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो जाएं, दो साइड का रेशो सेम आ जाए, बीच का एंगल इक्वल आ जाए. क्या हमारे पास जो दिया हुआ है उसमें कहीं साइड का रेशो गिवन है? इन ट्राइंगल्स में ये जो छोटे वाले मैंने मार्क करे हैं, सर साइड वैसे लेने की जरूरत नहीं है. एंगल ए सी डी एंड एंगल एफ जी एच इक्वल हो जाएगा. और शाबाश. और सर एंगल ए एंड एंगल एफ इक्वल हो गया तो डबल ए से सिमिलर हो गया. बहुत अच्छे, फैंटास्टिक, वेरी गुड. आप बच्चे मेहनत कर रहे हैं सब, माशाल्लाह. एक ही बच्चा नहीं मेहनत कर रहा है, अगर आप सब बोल रहे हैं क्लास में, तो इसका मतलब ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड, माशाल्लाह. बहुत अच्छी बात, खुशी हुई. आओ चलो देखो सब बच्चे, अब सिर्फ नजर छोटे वाले ट्राइंगल पे करो, जिसको हम कह रहे हैं ब्लू वाले को. उसमें सब बच्चे प्लीज ध्यान से, उसमें क्या एंगल ए एफ के इक्वल है? एंगल ए इक्वल है क्योंकि ट्राइंगल्स आर सिमिलर. यस और नो? यस सर. यस, वेरी गुड. क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर हैं बेटे, तो एंगल ए एफ के इक्वल है. अब सब बच्चे ध्यान से, जो इंपॉर्टेंट चीज में करनी है, जरा ध्यान से देखो. जो मैंने येलो पार्ट किया हुआ है, एंगल सी क्या एंगल जी के इक्वल है? यस सर. यस सर. एंगल सी, पूरा का पूरा एंगल सी. मतलब मैं आप सब बच्चे से कहूं कि भाई ये मेरा एंगल सी 80 डिग्री है, तो एंगल जी भी मेरा 80 डिग्री होगा. यस और नो? यस सर. आपने किया बाइसेक्ट. बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? हाफ करना. हाफ करना. तो 80 का हाफ बेटे 40. तो इधर भी 80 का हाफ कितना होगा? 40. तो क्या दूसरा एंगल भी इक्वल हो गया? यस और नो? यस सर. तो एंगल ए एफ के इक्वल है और 40 40 के इक्वल है. टू एंगल्स आर इक्वल, ट्राइंगल्स आर सिमिलर. अगर ट्राइंगल सिमिलर होगा तो रेशो
इक्वल आई जाएगी, आई जाएगी, बात खत्म हो गई, यस और नो? यस सर। सबको समझ में आ गया? जी सर। बहुत अच्छा, शाबाश। अब लिखो, चलो लिखते हैं इसको, क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं। यहां से हम स्टार्ट करते हैं, पहले सब बच्चे प्लीज ध्यान से देख लो, यहां से हम प्रूफ लेते हैं। वेरी गुड, फंटास्टिक, मजा आता है आप लोगों को पढ़ाने में माशाल्लाह। हम कहां से ले रहे हैं बेटे? ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल एफ जी ई, यहां से ले रहे हैं, ठीक है। ये किसको लिया हमने? एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल जी, राइट साइड देखो, ये हमारे पास था। हमने सी का पूरा नाम लिख दिया ए सी बी, और जी का पूरा नाम लिख दिया एफ जी ई, दे आर इक्वल। रीजन लिख दो, ट्राइंगल्स आर सिमिलर। नौमान समझ में आ रहा बेटे? ए सी बी इक्वल्स टू एफ जी ई बिकॉज ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इनका हाफ कर दो बेटे, तो हाफ ऑफ ए सी बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एफ जी ई। कोई बच्चा मुझे बताएगा मैंने हाफ क्यों किया? मैं हाफ बाइसेक्टर्स हैं, क्योंकि बाइसेक्टर की बात वो खुद कर रहा है ना, तो जब बाइसेक्टर की बात कर रहा है तो हमें बाइसेक्ट करना पड़ रहा है, हाफ करना पड़ रहा है। तो ए सी बी के हाफ का नाम लिख लेते हैं, ए सी बी के हाफ का नाम लिख लिया वन, और एफ जी के हाफ का नाम लिख लिया टू। तो आप क्या कहोगे बेटे? तो आप कह दो एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू, यस और नो? यस सर। ऐसी पिज्जा की छोड़ दो। नहीं मैं गरम नहीं पीता बेटे, मैं ऐसी पीता। तो एंगल वन इक्वल्स टू टू, अच्छा इसको कह सकते हो एंगल ए एफ तो अकेले अकेले ही है, लिख दो एंगल ए इक्वल्स टू एफ ऑल्सो। क्यों है ये? ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये हमारे पास हो गया टू, तो दो एंगल इक्वल हो गए भाई। यस सर। दो एंगल इक्वल तो ट्राइंगल सिमिलर, सिमिलर। सब बच्चे जरा ध्यान से पहले वाले का नाम लिखो ए सी डी, क्योंकि बेटे जैसे नाम लिखोगे वैसे ही रेशो आएगा। ए सी डी, एंगल ए किसके इक्वल है? एफ, एफ के। सी किसके इक्वल है? सी, सी, सी पे, सी पे एंगल बन रहा है वन, वन इक्वल था टू के, तो जी, जी। तीसरा कौन सा बचा? एच, एच। ये हमारे पास आ गया बी और ई, ये हमारे पास आ गया बेटे। ए सी डी सिमिलर टू एफ जी एच। रीजन बताओ कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी? एंगल एंगल क्राइटेरिया, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, यस। अब जरा रेशो लिखते जाओ, अपने आप आ जाएगा। रेशो क्या है? मुझे सी डी चाहिए। क्या चाहिए? सी डी, सी डी। तो सी डी हमारे पास कहाँ है? यहाँ है लास्ट टू में, तो सी डी के साथ कौन आएगा? जी एच, जी एच लिख लो भाई। तो सी डी अपॉन जी एच। जरा प्लीज ध्यान से देखो बेटे, मुझे ए सी चाहिए। क्या चाहिए? ए सी। अब ए सी बताओ किससे आएगा? पहले दो से, पहले दो से। ए सी के साथ कौन आएगा? सर एफ जी। वेरी गुड, फैंटास्टिक, वेरी नाइस, माशाल्लाह, मुबारक हो। चलो मिठाई बांटो, प्रूव बताओ। सबको समझ में आया क्या? कुछ 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 पूरा आ गया? हाँ भाई सब बोलो। यस सर। सर इसका सेकंड पार्ट भी है। आ गया समझ में? नहीं आया? आ गया। अब ये देखो शफी मियां क्या करें, सर इसका सेकंड पार्ट भी है। सब बच्चे आ जाओ, जो बच्चे खामोश थे वो आ जाओ सब बच्चे, कि हम भी कम नहीं है, हम बोलते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हमें नहीं आता है। ये वाला नीचे वाला सिमिलर करना है। सब बच्चे प्लीज ध्यान से, सेम क्वेश्चन है बेटे, कुछ नहीं करना। बताओ इसमें कौन से दो एंगल इक्वल करोगे? बेटे एंगल बी ई के इक्वल है या नहीं है? है, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर थे बच्चे, और सी का पार्ट आधा किया था ना हमने, यस सर, और जी का पार्ट भी आधा किया था, तो वो तो अपने आप ही इक्वल है ना, तो बी इक्वल हो गया ई के और दूसरा इक्वल हो गया, तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए नहीं हो गए? हो गए सर। और ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो रेशो प्रोपोर्शनल, सेम। ये वाला पार्ट था बेटे, ठीक है, हो गया, कर सकते हो ना आप तो? जी सर। वेरी गुड। एक और पार्ट है।
एक और पार्ट यही तो है नालायक। ये देखो हमने पहला वाला जो किया है ना बेटे, हमने पहले वाला क्या कर दिया, ए सी डी सिमिलर टू एफ जी एच, क्या करा है, ए सी डी सिमिलर टू ए सी डी एफ जी एच के सिमिलर कराना बेटे। तो ए सी डी एफ जी एच थर्ड वाला पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट है, थर्ड वाला, और थर्ड वाले से ही फर्स्ट आया है, थर्ड वाले से क्या आया है फर्स्ट, और फिर नीचे वाला जो पार्ट है वो कौन सा है सेकंड, सेकंड, ओके। अब समझ में आ गया आपको, जी सर जी, सब बच्चों को समझ में आ गया, यस सर, गुड, चलो शाबाश। अब देखो जरा एक क्वेश्चन और बढ़िया वाला, सब बच्चे आइए, ये थोड़ा सा मतलब अलग अलग चीजें होती हैं। अब देखो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है,